हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। मेरा नाम है शुभम सिंह चौहान और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2020 के बारे में। तो अब जैसा कि सभी कैंडिडेट्स को ये पता है कि इंडो टैपिटन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। कुल 85 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन था और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन था। तो जैसा कि सभी कैंडिडेट्स को ये पता है जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था ऑफिशियल्स के थ्रू वो था रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेरिट लिस्ट पर बेस्ड था। जिन भी कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको ये भी अच्छे से पता होगा कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो सक्सेसफुली कंडक्टेड हो गया था 16th of February 2020 के अंदर। और अब सभी कैंडिडेट्स को इसके एग्जाम रिजल्ट आंसर की और कट ऑफ लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े रहे क्योंकि हमें अपने सोर्स से पता लगा है कि इन द मंथ ऑफ मार्च और लास्ट ऑफ मार्च इसका जो एग्जाम रिजल्ट है रिलीज कर दिया जाएगा जब ऑफिशियल उसको रिलीज कर देंगे। तो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े रहे क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप वन क्लिक में अपना एग्जाम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं जब ऑफिशियल उसको रिलीज कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो अपीयर होगी, उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा होगा, आप उसको अच्छे से रीड कर लें। उसके अंदर आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। आप जैसे ही उसको रीड कर लें उसके लास्ट में एक लिंक मेंशन है कांस्टेबल रिजल्ट 2020। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एक और न्यू विंडो अपीयर होगी जो कि होगी ऑफिशियल्स की। उस ऑफिशियल्स की विंडो पर आपको एक नोटिस बोर्ड सर्च करना है, लेफ्ट राइट मिड कहीं भी हो सकता है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के अंदर एक सूटेबल लिंक चूज करना है जो कि होगा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट या फिर एडवर्टीजमेंट नंबर से भी आ सकता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एक और न्यू विंडो अपीयर होगी जो कि होगी रिक्वायर्ड डिटेल्स। इसमें वो आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर कुछ भी मांग सकते हैं आप जैसे उसे फिल आउट करेंगे। और अगर आपको वो चीजें याद नहीं है तो वो सब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन की गई हैं, आप वहां से देखकर फिल आउट कर सकते हैं। आप जैसे ही वहां से देखकर फिल आउट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल विद्या 360 को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।